नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गोरखपुर के दो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्वी तराई में गोरखपुर एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है। गोरखपुर के अंदर करीब 1230 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और ले फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिससे करीब 3000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सैटरडे को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर गए और वहां पर उन्होंने गोरखपुर के गीडा सेक्टर 26 में क्यान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बोटलिंग यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा। दोस्तों, ये कंपनी 300 KLPD की अमाउंट में इथानॉल प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा 200 KLPD के अमाउंट में ENA प्रोड्यूस करेगी। ये यूनिट करीब 31 एकर्स के लैंड पार्सल में सेटअप की जाएगी। 1200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इसको फंक्शन किया जाएगा। एक बार दोस्तों इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ये एथेनॉल प्लांट ग्रेन बेस्ड होगा और यहाँ पर राइस, मक्का या अन्य प्रकार के मोटे अनाज का प्रयोग कर एथेनॉल को बनाया जाएगा। इसके अलावा 15 मेगावाट का टर्बाइन बनाया जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का फाउंडेशन स्टोन योगी आदित्यनाथ जी ने सैटरडे को रख दिया। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा संडे को योगी आदित्यनाथ जी ने मोतीराम अड्डा में मेसर श्री एसोसिएट्स के एक वेयर हाउस का इनोग्रेशन किया। दोस्तों, ये वेयर हाउस 1.23 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। इस वेयर हाउस को 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ डेवलप किया गया है। ऐसा मानना है कि इससे करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इसके लिए यूपी इन्वेस्टर समिट में इन कंपनीज ने MOU साइन किया था और ये धरताला पे अब आपको देखने को मिल रही है। जितने भी इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में इन सभी रीजन में होने वाली है उत्तर प्रदेश के, वो सभी आपको देखने को मिल रही है। धीरे धीरे ये एग्जीक्यूट हो रहा है और खुद योगी आदित्यनाथ जी या फिर कोई बड़े मिनिस्टर उसका इनोग्रेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इस कंपनी ने यूपी के अंदर यूपी गवर्नमेंट वेयर हाउसिंग पॉलिसी 2022 से इंस्पायर होकर ये सेटअप किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार इन दोनों प्रोजेक्ट से मिलेगा। इसके अलावा कई हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। दोस्तों, एथेनॉल एक प्रकार का इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। ये फ्यूल, मेडिसिन, प्रिजर्वेटिव्स, ऑर्गेनिक केमिकल और अल्कोहलिक बेवरेज में यूज़ किए जाते हैं। एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करके यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे प्रोग्राम को लेकर चल रही है, जिसके तहत उसने टारगेट बनाया है कि वो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है इसको बढ़ाना चाहती है। उसने टारगेट भी सेटअप किया है। 2025 तक का ये टारगेट है कि एथेनॉल में 20% तक एथेनॉल को ब्लेंड किया जाए। ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का पार्ट है। दोस्तों, एथेनॉल बहुत ही अच्छा केमिकल माना जाता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। इससे प्रतिवर्ष $4 बिलियन की बचत हो रही है भारत सरकार को, जिसको सरकार बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी कई सारे क्षेत्रों में एथेनॉल बेस्ड प्लांट सेटअप होने वाले हैं, जिससे काफ़ी सारा फायदा होने वाला है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।